और मृत्यु के बाद क्या आत्मा का पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जो अंगूठा के बराबर आकार का जीव आत्मा उससे पीछा पुराण का पाठ करने से मर हमको करने के लिए मेरा बेटा बैठा है और मृत्यु के बाद क्या आत्मा का क्या होता है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है जीवन में पालन के अनुसार आज छठा दिन है और मैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आ चुका हूँ और यहीं पे हम लोगों का घाट लगता है, शुरू से ही लगता आया हुआ है और पूरे शॉर्ट में मैं वीडियो को आप लोगों को देखने का प्रयास करूँगा। जय महाकाल। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कायन के धुन में रहे शिव शंभू भोले भंडारी हर हर महादेव। और अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखकर समझ सकते हैं लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या वाकई में ही नर्क और स्वर्ग जैसा कोई लोक होता है, इसके बारे में जिंदा रहते हुए भी तो लोग इसे जान नहीं सकते और मरने के बाद भी नहीं जान सकते। लेकिन क्या अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ें जिसमें व्यक्ति के जीवन का बेहतर बनाने से लेकर के मृत्यु तक की सभी परिस्थितियों का उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सनातन धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंड दान करने का रिवाज है। ऐसा क्यों किया जाता है आपको पूरे वीडियो में बने रहे, मैं आगे बताता हूँ। गरुड़ पुराण के हिसाब से अंगूठे के आकार के बराबर का जीवात्मा होता है जो कि उसके मृत्यु के समय आन लेने के लिए यमदूत आता है। जो व्यक्ति जितना मोह माया में उलझा रहता है उसे प्राण त्याग करने में उतना ही कष्ट होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य का आभास कर लेता है उसे प्राण त्यागने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता। और जो बताया गया है शरीर में जो अंगूठा के बराबर आकार का जीव आत्मा उससे निकलता है और उसे ही यमराज पकड़ लेते हैं और यमराज उसे वापस ले जाते हैं। यमलोक से धरती वापस आती है आत्मा। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहाँ यमदूत जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार उनके लेखा जोखा जो भी होता है उसके ही आत्मा को फिर से उसके घर में भेज दिया जाता है। प्रवेश करने का वह बहुत कोशिश करता है लेकिन यमराज के दूत उसे मुक्त नहीं होने देते। ऐसे में आत्मा भूख प्यास के कारण तड़पती है। मृत्यु के समय उसके पुत्र या परिजन जो भी है जो पिंडदान करते हैं उससे भी उसके तृप्ति नहीं होती है। 10 दिन तक पिंडदान से मिलती है शक्ति। इसके दौरान मृतक के परिजन 10 दिन तक उसके नियमित योजन पिंडदान करते हैं। उससे आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होता है और 13वें दिन तक ताकत से वह आत्मा फिर से यमलोक का सफर तय करता है। यदि यह पिंडदान ना किया जाए तो जीव आत्मा को ताकत नहीं मिलेगा और यमदूत के दूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज जीव आत्मा के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं और आत्मा को स्वर्ग नर्क और फ्रित लोक भेज देते हैं। वहां और आत्मा को अपने कर्मों का सारा लेखा जोखा भुगतना ही पड़ता है। फिर से शरीर धारण करने मृत्यु लोक में आती है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक उसे मुक्ति ना मिल जाए। यह समझ ही नहीं सकता, बड़े योगी महात्मा ही इस जीवन मृत्यु का खेल को समझ पाते हैं। असामान्य व्यक्ति का बस की बात नहीं है। आत्मा को सदगति प्राप्त हो इसलिए हिंदू धर्म में जीवन से मृत्यु तक 16 संस्कार बनाए गए हैं और यह 16 संस्कार अंतिम संस्कार है।
जिसमें शरीर को पंच तंत्रों के हवाले कर दिया जाता है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए विदा किया जाता है। इस संस्कार में कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिससे जो चला गया उसका दुनिया से मोह टूट जाए और जीवन में जो स्वस्थ और सुरक्षित सामान्य जीवन जीते हुए संसारिक कर्मों को निभा सके। इसीलिए अंतिम संस्कार का नियम बनाया गया है, कुछ बातों का पालन किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान शरीर को अग्नि के हवाले जो किया जाता है, शव दहन के माध्यम से जिस सैया पर लिटाकर उसको शमशान तक ले जाया जाता है, सैया को एक बांस निकालकर उसमें शव को सिर पर चोट किया जाता है, जिससे कपाल क्रिया कहा जाता है। कहते हैं कि इससे सांसारिक मोह में फंसा जीव शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद क्रिया भी जरूरी है। परिवार लोग शमशान से लौट जाते हैं और 5 लकड़ियां के टुकड़े और 3 हाथ में 2 बाएं हाथ में रखते हैं और शव दहन से उल्टी दिशा में खड़े होकर के सिर के ऊपर लकड़ियां के पीछे से फेंकते हैं और वापस घर चले जाते हैं। इस क्रिया के बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता। ऐसा मान्यता है कि 5 लकड़ियों को फेंककर जो मृत्यु को प्राप्त किया अग्नि से कहा जाता है कि अब तुम 5 तत्वों में भी विलीन होकर के इस संसार का मोह माया त्याग दो, अपने आगे के सफर के लिए तुम चले जाओ और शब्द तुम्हारा मोह माया तुम्हारा शरीर छूट जाए, तुम्हारा मोह त्याग दिया है। शव दहन के पीछे मुड़कर ना देखने की मान्यता, ऐसा मान्यता है कि शरीर छूट जाने पर भी जीव आत्मा का अपने परिजन से मोह समाप्त नहीं होता है और शमशान में परिजनों को वह देख करके दुखी और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सांसारिक मोह से आत्मा को मुक्ति के लिए यह आश्वास दिलाया जाता है कि हम तुम्हें भूल चुके हैं, अब आप अपने लोक चले जाएं, सारे मोह माया को त्याग कर अपने दूर कीजिए और अपने सफर को आगे जाइए। कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का मोह बना रहता है, वह परिजनों के पीछे ही चल देता है। घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाली आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग नर्क पाप पुण्य नीति नियम और धर्म से जुड़ी कई बातों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में जीवन और मौत का रहस्य छिपा हुआ है। इसमें किसी भी व्यक्ति का मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को 3 कारणों से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्र की भी आयु निर्धारित है। हमारे इस सूर्य का भी इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मर्म के चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों को चित्त की दिशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और वह पुनः चलता है जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए। कई बार परिस्थितियां बदल जाती है। सूर्यास्त के बाद मृत्यु तो हिर्म धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी की पास रहना आवश्यक होता है। संस्कार के अगले दिन यदि रात में ही शव को जला दिया जाए तो इस व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होता है और उसे मुक्ति नहीं मिलता है। ऐसा आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनियों में जन्म लेते हैं और यदि किसी कारण से ही मृत्यु पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता तथा पंचक काल समाप्त होना है। मौत भी हो जाता इसी डर के कारण। पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है कि कोई मर गया परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री उसके सामने नहीं है तो इंतजार किया जाता है, तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को उसके पास रहा जाता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्रियों के हाथ ही दाह संस्कार होने और मृतक को
शांति मिलती है। हमारे 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 हम